हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 12.1। इसका क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पे बात करेंगे जो कि हम लोग को जानना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या है, सर्कल कैसे कहते हैं, चले देखते हैं। एक फिक्स पॉइंट ले लेते, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते और वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या कर देते हम लोग, पॉइंट ले लेते, ठीक है, पॉइंट लेते और उस पॉइंट को हम लोग जब मिला देते तो हम लोग का क्या फॉर्म होता है, सर्कल, ठीक है। क्या फॉर्म होता है, सर्कल। हम लोग जानते हैं कि सेंटर से यहाँ तक, ठीक है, ये सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। और एक लाइन हो वो क्या करे, सेंटर को जब पास होके जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। सेंटर को क्या करती है, काटती है, देखो यहाँ पे, ठीक है, टच करते जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर से होके जाती है तो उसको कहते हैं डायमीटर। और एक लाइन होती है यहाँ से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण। तो हम लोग और चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होगा, या तो आप लिख सकते हैं 22/7 या तो आप लिख सकते हैं 3.14, ठीक है, पाई का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग आगे कैसे बढ़ते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, और एक देखिए यहाँ पे क्या है, एक हम लोग बनाते हैं सेमी सर्कल, ठीक है, आधा मतलब अर्ध, अर्धगोला इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, देखिए आधा है, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल का आधा पार्ट, ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, सर्कल का आधा पार्ट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या था, ये पूरा के लिए था एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा सर्कल के लिए था, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आधा की बात करेंगे, आधा सर्कल की बात करेंगे तो आधा सर्कल के लिए तो बाय टू कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू। और इसी प्रकार से अगर हम लोग सर्कमफेरेंस की बात करें, ठीक है, सर्कमफ्रेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए पूरा के लिए सर्कल के लिए क्या था, 2πr, ठीक है, पूरा का सर्कमफ्रेंस क्या था, 2πr, ठीक है। तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के लिए हो जाएगा हम लोग का 2πr बाय टू, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस हम लोग जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल, इसके जो बाउंड्री पर जब हम लोग चलेंगे ना, ठीक है, इसका ये बाउंड्री पे हम लोग जब चलेंगे इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसी का ही सर्कमफ्रेंस, जैसे आप लोग स्क्वायर सबके में पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए देखिए जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसके ऊपर ही, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर है तो हम लोग का क्या हो जाता है, स्क्वायर क्या होता है, सारे तरफ इक्वल साइड होता है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना 1a, यहाँ से फिर स्टार्ट किया बाउंड्री से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया फिर 2a हो गया, यहाँ से फिर यहाँ गया 3a, यहाँ से यहाँ फिर इसी बाउंड्री पर चल गया यहाँ तक, कितना 4 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 है। इसी प्रकार से रेक्टेंगल का भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का भी होता है, रेक्टेंगल क्या, जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, मान लीजिए ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, यहाँ से स्टार्ट की इस बाउंड्री पर चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँचे तो वो ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो बी, फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्लस ए, फिर यहाँ से गए तो प्लस बी, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 2a+b, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही गए थे a+a+a+a, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, 4, और इसका पैरामीटर क्या होता है, 2 into a+b हो जाते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे 2πr, ठीक है, 2πr, ठीक है, ये कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये इस पाई का जो वैल्यू क्या हम लोग ने लिया है 22/7, ठीक है, और 3.14, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 cm एंड 9 cm रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ अ सर्कमफेरेंस
इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। देखिए हम लोग का यहाँ पे कितने सर्कल, तीन सर्कल है ठीक है। एक सर्कल हम लोग का ये रहा, मान लेते एक सर्कल हम लोग का ये है ठीक है, और एक सर्कल है ठीक है, और एक सर्कल है हम लोग का ठीक है। तब क्या कह रहा है ना, एक सर्कल का रेडियस कितना दिया हम लोग को, 19, तो बड़ा वाला का हम लोग 19 कह देते हैं ठीक है, हम लोग का 19 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला का मान लेते हैं 9 है ठीक है, कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इस बड़े वाले का रेडियस फाइंड करना है। और क्या कह रहा है, इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है ठीक है, वो क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा ठीक है। फिर से सुनिए, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ना, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, इस ये तीसरे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस हम लोग नाम दे देते हैं, ये हम लोग का, चलिए हम लोग का R1 है, ये हम लोग का R2, हम लोग को फाइंड करना है R3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल R1 ठीक है, क्या है हम लोग का 19 सेंटीमीटर ठीक है। फिर से रेडियस ऑफ सर्कल R2 कितना हो जाएगा हम लोग का 9 सेंटीमीटर, और हम लोग का रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है, इस वाले के लिए ठीक है, चलिए यहाँ पे दे देते हैं, हम लोग का फर्स्ट सर्कल दे देते हैं, इसको सेकंड नाम देते हैं, इसको थर्ड नाम, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल का हम लोग को रेडियस नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं R3 सेंटीमीटर ले लेते ठीक है। इसमें अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है, अब देखिए हम लोग को सर्कम फ्रेंस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सर्कम फ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल ठीक है। तो क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हम लोग ने अभी पढ़ा 2πR1 कर देते ठीक है, R1 इस वाले के लिए देख रहे हैं R1, इसलिए R1 कर दिए ठीक है। अब देखिए तो 2 हो जाएगा, पाई R1 कितना है 19 ठीक है, कितना है 19, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 38 ठीक है, 19 2 38 ठीक है, कितना 38π। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा 2πR ठीक है, R2 हो जाएगा, तो 2πR के प्लेस में कितना दिया है R2 कितना दिया हम लोग को 9 ठीक है, 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा पाई ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे ठीक है, आगे हम लोग को क्या करना है, थर्ड सर्कल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थर्ड सर्कल का क्या हो जाएगा हम लोग का सर्कम फेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल ठीक है, हम लोग क्या हो जाएगा 2πR3 ठीक है, लेकिन हम लोग को तो R नहीं पता है इसका ठीक है, हम लोग ने माना है R3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का सम है ठीक है, इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का सम है वो क्या है थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, हम लोग को क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हो जाएगा बराबर हो किसके पहला सर्कल के ठीक है, फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल ठीक है। तब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल हम लोग को कितना है 2πR3 ठीक है सर, और यहाँ पे हम लोग का सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना निकाला हम लोग ने 38π ठीक है, 38π ठीक है प्लस अब यहाँ पे कितना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल हम लोग का कितना है 18π कितना है 18π ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये हम लोग को क्या हो जाएगा 2πR3 ठीक है, 2πR3 इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 38 में अगर 18 ऐड कर देंगे तो 8 16 का 1
कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है इतना आ जाएगा इसको। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। 2 पाई r3 इक्वल टू इधर कितना था 56 पाई था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से r3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 56 पाई डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 है ना, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, हाँ 1 गया, 2 8 16, ठीक है। तो r3 कितना आ गया हम लोग का 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग को रेडियस भी फाइंड करना था, ठीक है। हम लोग का रेडियस आगे कितना 28 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।